उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के गंगवाड़ा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए खिलाड़ी मामा भांजे की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। कबड्डी प्रतियोगिता समापन के बाद खिलाड़ी मामा भांजे दो युवक पास में ही चंबल नदी पर नहाने गए हुए थे। नहाने के दौरान मामा भांजे की मौत हो गई। इंगोरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक युवक के शव को नदी में से निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर मृतक युवकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इंगोरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपका थाना क्षेत्र में बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, किस प्रकार से मामला जांच में लिया है, क्या क्या रहा? हमारे थाना क्षेत्र के गांव दंगवाड़ा में भगवान भोलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर कब किया जाता है, ये आयोजन चल रहा था। इसमें गांव बड़ा गांव थाना वाटमचला की टीम भी आई हुई थी, उसके सदस्य के मैच खेलने के बाद फिर वो पीछे जो घाट है वहाँ पे उस तरफ नहाने चले गए। त्रिलोक और विशाल ये मामा भांजे हैं, विशाल भांजा है और जो है त्रिलोक मामा है। ये दोनों को तैरना नहीं आता था तो ये वहाँ पे डूब गए, और जो देवेंद्र और कुलदीप ये दो बच्चे हैं ये तैरना आता था, ये किनारे आ गए। बड़ी दुखद घटना है। इनका रात को इनकी बॉडी मार्चल रूम में रखाई गई थी बनने में, आज सुबह उनका पीएम हुआ है। परिजनों को पीएम के लिए वहाँ के बाद डेड बॉडी सौंप दी गई है। मर्ग जाँच है में है, आगे की जो भी जाँच होगी लगातार जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।